मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये लिजिम का खेल है तो लिजिम के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। लिजिम महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है जहां नर्तक झंझरी के साथ एक छोटा संगीत वाद्य वृंद ले जाते हैं जिसे लिजिम कहा जाता है। इस वाद्य के नाम पर नृत्य का नाम रखा गया। यह राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है जो शहर के हर नुक्कड़ पर गुड़ी पड़वा दिवस के दौरान किया जाता है और गणेश विसर्जन के समय भी बहुत ही उत्साह के साथ खेला जाता है। नृत्य देखने और आनंद लेने के लिए एक इलाज है। लिजिम डांस अक्सर महाराष्ट्र मिलिशिया और अन्य संस्थाओं के स्कूल द्वारा फिटनेस ड्रिल के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें कई कैलिस्टेनिक चाल शामिल है और यह काफ़ी ज़ोरदार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहला लिजिम प्रदर्शन वर्ष 1982 में दिल्ली में 9th एशियाड खेल में प्रस्तुत किया गया था जहां 400 सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्रीय लिजिम खिलाड़ियों ने एक प्रदर्शन किया था। इससे पहले महाराष्ट्र के गांव में प्रचलित लिजिम के कुछ रूपांतर थे, हालांकि ये आज शायद ही कभी उपयोग किए जाते हैं। लिजिम नृत्य में विभिन्न प्रकार की हलचलें होती है जैसे कदम बढ़ाना, कूदना, बैठना और झुकना। नृत्य के प्रत्येक आंदोलन को सही समय पर उचित प्रहों के साथ निष्पादित किया जाता है जिसे 4 या 8 काउंट में घुमाया जाता है। यह नृत्य को एक लयबद्ध संगीत प्रदान करता है। लिजिम नृत्य और उनके विशिष्ट हाव भाव आंदोलन को भौतिक सांस्कृतिक विधियों द्वारा सुंदर शरीर के लिए ड्राइव में उनके अभ्यास में अनुकूलित किया जाता है। नृत्य के ग्रामीण रूप में आमतौर पर 2 पंक्तियों में लिजिम नृत्य होते हैं। चरणों के अनुक्रम को दोहराते हुए हर कुछ धड़कन में कदम बदलते हैं। इस प्रकार 5 मिनट के लिजिम प्रदर्शन में 25 अलग अलग चरण होते हैं जो सद्भाव के नृत्य करते हैं। अन्य विविधताओं में लिजिम को 4 पंक्तियों में एक ही नृत्य के गठन में यह संक्रेडित वृत्तियों के निर्माण गरबा के नृत्य के समान में नृत्य करना शामिल है जिसमें प्रत्येक नर्तक घूमता है और विपरीत पंक्तियों के नर्तक अक्सर एक दूसरे के साथ लिजिम बजाते हैं। यह रिंग लीडर द्वारा सीटी का उपयोग करके चारों में परिवर्तन की घोषणा की जाती है। इस नृत्य शैली के साथ ढोलकी एक और वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लिजिम और ड्रम के अलावा इसमें नृत्य प्रदर्शन के दौरान हलागी और झांकी को संगीत वाद्य वृंद के रूप में शामिल किया जाता है। नर्तक रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं।
तो फ्रेंड्स, अभी ये ब्लॉग यहाँ पर एंड करने का समय आ गया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और लेजिम के बारे में आपको कुछ जानकारी है तो कमेंट कर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरिओम हरिओम हरिओम।